आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर में बटर पेपर कैसे बना सकती हैं, कितने दिन और कैसे स्टोर कर सकती हैं। इसके अलावा अक्सर मैं केक की रेसिपीज़ में आपको ब्राउन पेपर का जिक्र करती हूँ, तो ऐसा बटर पेपर हम उसे कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताऊँगी इस वीडियो में। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि बग़ैर किसी भी किस्म के पेपर के हम केक को कैसे बनाएँ कि वो मोल्ड में चिपके नहीं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं, दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए प्लेन पेपर। ये प्लेन पेपर जो है वो प्रिंट आउट में भी यूज़ होता है, इसके अलावा फ़ोटो कॉपी वगैरह में भी यूज़ होता है। यहाँ पे हम कोई भी इंक वाला पेपर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इंक सेहत को नुकसान देती है, कैंसर करती है, इसलिए इसमें यहाँ पर हम प्लेन पेपर यूज़ करेंगे। अब चलते हैं बटर पेपर बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बिस्किट और मिठाइयों के हिसाब से बनाना सिखा रही हूँ बटर पेपर, ताकि बड़ा बनेगा उसके लिए। तो उसके लिए हमें चाहिए पेपर और उसके ऊपर हम ऑयल से इसे जो है फुल कंप्लीट ग्रीस करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। हम यहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जितनी पेपर को ज़रूरत है सिर्फ उतना लगाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे ऑयल। एक्स्ट्रा है उसे हमें बाद में साफ़ करना पड़ेगा। मैंने फुल कवर कर लिया है, तो इसके बाद देखेंगे इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है, मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है देखें, इसमें इस तरीके का हो जाएगा। तो इसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे। तो देखिए हमारा बटर पेपर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मिठाइयों में और बिस्किट या कुकीज़ वगैरह में काम आता है। और अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक के हिसाब से कि बटर पेपर हम बनाएंगे केक के लिए, तो उसके लिए हम पहले सबसे पहले कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये मेरा बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके से काटिएगा। और ये तरीका मैं बहुत सारे केक्स में दिखा चुकी हूँ, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए दिखा रही हूँ इसमें। तो देखिए पेंसिल का निशान आ गया, इसे अब हम काट लेंगे। हम इसे भी बटर पेपर बनाएंगे। केक के अंदर बटर पेपर जितनी ज़रूरत है उसे उतना ही बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वेस्टेज निकलती है काफ़ी। तो उसे बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे फुल। बस इसके अंदर हम पोंछेंगे नहीं, डायरेक्ट हम मोल्ड में रख देंगे। और मोल्ड की जो साइड है उसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो ये हमारा बटर पेपर केक के हिसाब से बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब बात कर लेते हैं कि इस तरीके से हम बटर पेपर को स्टोर करेंगे। तो कोशिश करें हैंड टू हैंड इसे यूज़ कर ले बनाकर, लेकिन अगर से फिर भी आपको रखने की ज़रूरत है उस सूरत में आप इसे 3-4 दिन तक रख सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगी, यानी 1 महीने तक नहीं रख सकते। और रखेंगी तो इस तरीके से जो मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से थैली में डाल के रख लीजिएगा, तो ये 3-4 दिन तक बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन अगर से 1 महीने तक रखेंगी तो फिर ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है, चिपकने लगता है, अच्छा नहीं रहेगा, तो उसे स्टोर नहीं कर सकती ज़्यादा दिन। तो अक्सर आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं ब्राउन पेपर या खाकी पेपर का जिक्र करती हूँ आपसे, तो तरीका बिल्कुल सेम वही है। लेकिन ब्राउन पेपर जो है लोगों की समझ में नहीं आता कि मैं किस पेपर को कहती हूँ, तो वो ये पेपर है जो आप कॉपी पे कवर वगैरह चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पेपर को भी आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से बटर पेपर बना सकती हैं। बस इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और उसके बाद इसे हम 1-2 मिनट छोड़ेंगे, क्योंकि ये मोटा पेपर होता है तो तेल चूसने में टाइम लगाता है। उसके बाद सेम वैसे ही रख देंगे।
और अब मैं आपको बताती हूँ बगैर किसी भी पेपर के आप केक को कैसे बना सकती हैं कि वो मोल्ड में चिपके नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस पे हम डाल देंगे मैदा। मैदा कम या ज़्यादा सब डाल सकती हैं आप, क्योंकि हम इस पे रोल करेंगे अच्छी तरीके से। तो फुल मैंने कवर कर लिया इसे। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा उसे झाड़ दिया है, देखिए इस तरीके का हो गया है ये। इसके ऊपर जो है केक चिपकेगा नहीं, बहुत आराम से निकल आता है। तो अगर से आपके पास किसी किस्म का भी पेपर नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।